अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां नगर में पीडीएस के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान्न पर दलालों की नजर। गरीबों को दिया जाने वाला अनाज को औने पौने दाम में व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है, जिसका एक मामला नगर में सामने आया है। यहां नगर के सुशील अग्रवाल उर्फ बंटी द्वारा गरीबों को पीडीएस में मिलने वाले चावल को अवैध तरीके से खरीदा जा रहा था। देखा जाए तो विगत दिनों स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत शिकायत मिलने पर जहां एक मूंग की ट्रॉली जब्त की गई, तो वहीं जांच के दौरान पीडीएस में गरीबों को दिए जाने वाले चावल की ट्रॉली भी जब्त की गई। वहीं जानकारी के अनुसार किसानों की शिकायत पर एक व्यापारी द्वारा बेचे जा रहे मूंग को लेकर एसडीएम दिनेश सिंह तोमर द्वारा कार्यवाही भी की गई। व्यापारियों व फड़ियों के फड़ों की जांच की जा रही थी। इस दौरान नगर के व्यापारियों की तलाशी के दौरान नगर के सुशील अग्रवाल उर्फ बंटी के दुकान पर पहुंचकर देखा और जांच की, तो वहां पर सोसाइटी में दिए जाने वाले चावल ट्रॉली में भरे पाए गए। वहीं फूड इंस्पेक्टर प्रकाश यादव द्वारा उक्त ट्रॉली की जांच की गई, तो ट्रॉली में लगभग 42 क्विंटल के करीब चावल पाया गया। वहीं कार्यवाही करते हुए उक्त ट्रॉली सहित चावल को जब्त कर कृषि उपज मंडी को खड़ा किया गया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि 4 दिन पहले जिस ट्रॉली को जब्त किया गया, उस ट्रॉली को एक व्यापारी के मंडी प्रांगण में बने टीन सेट के अंदर खड़ा कर दिया गया। इस बात की भनक मीडिया कर्मियों को जब लगी, तो पहले अधिकारी मामले को दबाते नजर आए, लेकिन उसके बाद मीडिया द्वारा पूछा गया तो कार्यवाही की बात की गई। गौरतलब है कि 4 दिन पूर्व ट्रॉली को जब्त किया जाता है और उसे व्यापारी से टीन के सेट में छुपा दिया जाता है। उसके बावजूद भी 4 दिन बाद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की बात की जा रही है। तो क्या कारण है कि अधिकारियों द्वारा उक्त ट्रॉली पर कार्यवाही के नाम पर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, या किसी के संरक्षण के चलते अधिकारी कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं? वहीं सवाल यह भी उठा है कि क्या अधिकारी द्वारा इस मामले पर ठोस कार्यवाही की जाएगी, या फिर इस मामले को यूं ही जिस तरह ट्रॉली को गोदाम के अंदर छुपा दिया गया था, ठीक वैसे ही मामले को भी दबा दिया जाएगा। वसीम भाई, अच्छा इसमें कुछ में गेट नहीं लगा, क्या कारण है? तोड़ दिए, गेट ही तोड़ दिए।